आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ये वो तो सवाल में दिया गया है, ग्राफ में n के कणों के लिए एक अभिकल्पित जाल वितरण दर्शाया गया है, ठीक है, जहां पर v जो है वो बड़ा है v नोट के लिए, तो dn बटे dv जो है वो बराबर 0 है और dn बटे dv वेग में परिवर्तन के साथ कणों की संख्या में परिवर्तन की दर है, है ना। dn बटे dv क्या है? वेग में परिवर्तन की दर है कणों की संख्या, वेग में परिवर्तन के साथ कणों की संख्या में परिवर्तन की दर है। तो हमें क्या क्या निकालना है, ध्यान से देखिए बच्चों, कि ए बी नोट का मान क्या इतना होगा, क्या v औसत बटे v नोट का अनुपात निकालना है, v वर्ग माध्य मूल चाल है बच्चों ये, है ना, vrms, अब और उसका v नोट के साथ अनुपात निकालना है हमें। चलिए निकालते हैं एक एक करके। सबसे पहले अ के बारे में बात कर लेते हैं। अ के अंदर जो दिया गया है वो n, n बराबर कितना होता है हमारे पास में, हम सब लोगों को बात पता है, है ना, एन गैसों के लिए ये जो होता है ये मेरे पास में कितना होता है, ये होता है 1/2 इंटू ए इंटू वी नोट होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से जो मेरे पास में मान आ जाएगा, ध्यान से देखिए बच्चों, ये कितना आ जाएगा, ए वी नोट जो हो जाएगा ये बराबर कितना हो जाएगा, 2n के बराबर हो जाएगा। ये वाला तो जो है बच्चों हमारा एकदम सही है, अ हमारा एकदम सही जवाब है। इसके बाद फिर वी एवरेज निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ब के अंदर जो है हमें निकालना है वी औसत, है ना, तो वी औसत कितना होता है, वो बराबर जो होता है, ध्यान से देखिए बच्चा, 1/n, इनके सबके सूत्र आपको पता होता है, अगर आपको सूत्र याद है तो आप एक ही झटके में इनको निकाल सकते हो, 0 से लेके अनंत, ये हो जाएगा मेरे पास में वी एन, है ना, और ये कैपिटल का वी, ठीक है, और ये डी वी, ठीक है बच्चों, यानी कि ये बराबर मेरे पास में जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ से जब मैं इसको हल करूंगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा समाकलन के अंदर, ये 1/n तो बाहर है, समाकलन के अंदर कहाँ से कहाँ, 0 से वी नोट तक इसको कर दूंगा मैं, तो ये मेरे पास में आ जाएगा सी, एक नियतांक ले लेता हूँ सी, ये आ जाएगा मेरे पास में ए अपॉन वी नोट, है ना, और इंटू वी, और क्या लिख दूंगा मैं बच्चों, डी वी, यानी कि यहाँ पे मैंने ए अपॉन वी नोट जो है बच्चों ऊपर से इसका मान रख दिया है, ठीक है बच्चों, ये मेरे पास में डी वी आ गया। जैसे आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर तो मेरे पास में इसके लिए मान आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3, है ना, यहाँ से ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से ये है ना, ये ए वी नोट का मान 2n रख दीजिए, है ना, तो ए वी नोट का मान, ये ए वी नोट इसके यहाँ से मैंने निकाला मान, तो यहाँ से ये मेरे पास में कितना आ गया, 2/3, है ना, और वी नोट के बराबर आ जाएगा। इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से वी एवरेज बटे वी नोट लिखूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, ध्यान से लिखिए बच्चों, अगर मैं वी औसत बटे वी नोट का मान निकालूंगा, वी औसत है मेरे पास में 2/3 वी नोट और बटे वी नोट, यानी कि मेरे पास में वी नोट है, वी नोट को मार दिया, 2/3 आ गया। ध्यान से देखते हैं यहाँ पर जो है बच्चों, v औसत बटे v नोट का अनुपात 2/3 है, ब भी हमारा एकदम सही जवाब है। अब vrms निकालना है हमें, तो ध्यान से देखिए बच्चों, स के अंदर हमें vrms निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, vrms का स्क्वायर जो होता है हमारे पास में वो कितना होता है, vrms का स्क्वायर में शॉर्ट में लिख देता हूँ, वो बराबर होता है 1/n, है ना, कहाँ से कहाँ, 0 से अनंत हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा मेरे पास में वी स्क्वायर एन, है ना, ये वी और ये कितना आ जाएगा, डी वी। तो जब आप इसको करेंगे तो ध्यान से देखिए बच्चों, 1/n तो ऐसा कैसे 0 से अनंत हम लोग कर देंगे, है ना, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा वी स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा ए अपॉन वी नॉट, सेम उसी की तरह जैसे हम लोगों ने पहले की बार किया था, ये डी वी बराबर आ गया। तो जब आप इसको हल करेंगे तो ध्यान से देखिए बच्चों, मान रखो आप तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर भी जो है ये भी वी आएगा, है ना, यहाँ पर ये वी है, ठीक है, तब ध्यान से देखिए बच्चों, ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ से जब मैंने इसको हल किया तो ये आ जाएगा वी नॉट का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, तो यानी कि ये मेरे पास में वी आर एम एस का स्क्वायर आ गया, है ना। तब ध्यान से देखते बच्चों, अगर मैं इसके लिए निकालूंगा तो यहाँ से अंडर रूट कर दूं, है ना, तो वी आर एम एस कितना हो जाएगा, वी आर एम एस जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा मेरे पास में इसका पूरे का अंडर रूट, यानी कि वी नोट बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा। तब मेरे को क्या निकालना है, मुझे निकालना है अनुपात वी आर एम एस बटे वी नोट, है ना, तो वी आर एम एस कितना है, वी नोट बटे रूट 2 बटे वी नोट, वी नोट ने वी नोट को मार दिया, यानी कि 1/ अंडर रूट 2। तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पर हमारे को कितना दिया गया, 1/ अंडर रूट 2 के बराबर है, सब भी हमारा एकदम सही जवाब है। अब कुल कणों में से 3/4 कणों की चाल जो है वो 0.5 वी नोट से और वी नोट के बीच में है। तो बच्चों अगर आप यहाँ से एरिया अंडर द ग्राफ निकालोगे तो यहाँ से जो मेरे पास में आ जाएगा वो 3/4 और टोटल एरिया आ जाएगा, तो ये वाला भी जो है बच्चों, ये वाला हमारा एकदम सही जवाब है। वो किस तरीके से देखिए यहाँ से बच्चों, एरिया अंडर द ग्राफ अगर आप लोग निकालेंगे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ से ये ए है, यहाँ से ये वी नोट है, ए वी नोट जो है हमारे को 2m दिया गया है, इसके अनुसार जैसे ही आप मान निकालेंगे 0.5 वी नोट टू वी नोट, है ना, यानी कि 0.5 वी नोट कहाँ पर है, ये रहा,
ये रहा, ठीक है, ये यहाँ से, तो इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से, ये लीजिए है ना, यहाँ से एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में, इसके बीच में ही आएगा तीन चौथाई गणों की चाल, ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास में इसका जवाब हो जाएगा। थैंक यू सो मच, इसके चारों के चारों जवाब एकदम सही होंगे। चलिए ये भी मैं आपको निकाल के बता ही देता हूँ, ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से ये वाला कितना हो जाएगा, वी नोट बटे दो पर आ जाएगा है ना, छोटे पर है ना, 0.5 से, और यहाँ पर जो है ए का मान ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाली जो दूरी हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरे पास में ए बटे दो। तो जो एरिया अंडर द ग्राफ जो आ जाएगा इस चीज के अंदर, जिसको मैं हरा हरा कर रहा हूँ बच्चों, तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला, तो यहाँ से एक तो ये त्रिभुज हो जाएगा ए, और ये दूसरा हो जाएगा दो है ना। तो एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लेते हैं, द है ना, हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, यही तो देगा। तो ध्यान से देखिए, एक बटा दो इंटू आधार कितना है बच्चों हमारे पास में, ये है मेरे पास में वी नोट बटे दो और ए बाई टू है ना, यानी कि वी नोट बटे दो इंटू ए बाई टू, ये तो हो गया मेरे पास में पहले वाले का, प्लस दूसरे वाले का करूंगा तो ए बटे दो इंटू वी नोट बाई दो भी आ गया मेरे पास। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से मेरे पास में आ जाएगा ए वी नोट बटे आर प्लस का, ये आ जाएगा मेरे पास में ए वी नोट बटे चार है ना, ए वी नोट कॉमन ले लो, तो यहाँ से जो मेरे पास में ए वी नोट कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा एक बटा आठ प्लस एक बटे चार है ना, यानी कि ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, ए वी नोट को दो एन लिख सकता हूँ मैं है ना, तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा चार प्लस आठ बटे बत्तीस है ना, यानी कि दो एन एन टू, ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, बारह बटे बत्तीस, दो से ये कट गया मेरे पास में सोलह बार है ना, यानी कि ये मेरे पास में कितना आ गया, ये एन इन टू बारह बटे सोलह। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से ये चार से तीन बार, ये चार से चार बार, यानी कि ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, तीन एन बटे चार है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, तीन चौथाई जो आ रहा है वो तो किसके किसके बीच में आ रहा है, ये 0.5 वी नोट और वी नोट के बीच में आ रहा है, जो विद्या है हमारा वो भी एकदम सही है। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।